मैं बलराम सिंह अपने YouTube चैनल भूमि द रियल स्टडी ऑफ गेम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। यदि इस वीडियो को आप पूरा ढंग से देखेंगे तो इस चित्र को आप जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं। और यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाले बटन को दबाना तो ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में है आज मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। देखें, पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को ध्यान से देखें बच्चा, पूरा फोकस बोर्ड पर रखना है। जितना फोकस आप बोर्ड पर रख लोगे उतना ही आपकी समझ में आ जाएगा। देखें बच्चों, चलो ठीक है, जितना जैसा भी है, जैसा बना है वैसा देख लें आप, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है बच्चों, देखें यहां से। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखें, देखें आप यहां से। मुख गुहा, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, यहां से यकृत बनाना है आपको। यकृत लिवर जिसे कहते हैं, क्योंकि लिवर में ही हमारा क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। ये पित्ताशय है, ये बना दिया मैंने, अलग कलर से बना देता हूं। पित्ताशय, ठीक है, याद रखना पित्ताशय है। डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसको भी डॉट 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 कर देना। अमाशय है ये अपना, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, फिल कर दोगे तो। अब देखें यहां से क्या करना है। यहां से यकृत बन गया, अमाशय बन गया। अमाशय के जस्ट नीचे थोड़ा सा यहां पे, यहां से तो पहले क्या करना है, यहां से एक लाइन इसमें लाके लगा देनी है। एक नली होती है, ये दोहरी कर देना, ठीक है, इसी नली के हिस्से से, ऐसे इसी नली के हिस्से से। तो इस नली को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। ये वाली नली यहां पर है, ठीक है बच्चों। यहां से इस प्रकार से थोड़ा इसको अमाशय के जस्ट थोड़ा पीछे से निकालना है, हल्का सा इस प्रकार से, ठीक है। ये होता है अगरनाशय। क्या होता है? अगरनाशय। तो यकृत, अमाशय, अगरनाशय, ठीक है। ग्रसिका कहते हैं इसको, ग्रसिका, इसको कहते हैं ग्रसनी,
साफ साफ लिखता हूं बड़े बड़े अक्षरों में, समझ में आएगा। ग्रशिका, ग्रशनी, सिनी, अमाशय, यकृत और पित्ताशय, पित्ताशय, पित्ताशय से पित्तरस निकलता है। अमाशय में जठर ग्रंथियां होती है जिससे जठर रस निकलता है। जब इसके वर्णन करेंगे इसका बच्चों, जब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये होता है अगननाशय, इसमें से अगननाशय रस निकलता है, तो अगननाशय, ठीक है। अब नीचे चलते हैं बच्चों, थोड़ा यहां तक समझ में आया होगा थोड़ा सा। अब चलते हैं थोड़ा नीचे, ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं। यह होती है इस प्रकार से बड़ी आंत, यहां पे अपेंडिक्स के लिए छोड़ दीजिए थोड़ा सा, इस प्रकार से अपेंडिक्स होता है यहां पर, इस प्रकार से आइए थोड़ा सा, मलाशय और ये मलद्वार, यहां पे ये मलाशय और ये मलद्वार, तो क्या है ये मलाशय और इसको कहते हैं मलद्वार, ठीक है। मलाशय ये वाला पोर्शन और इसको कहते हैं मलाशय के बाद मलद्वार, ये होती है अपेंडिक्स, 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 ये बड़ी आंत है, सारी की सारी बड़ी आंत है ये, ठीक है। ये जो हमने छोड़ा था यहां पर, ये जो हमने छोड़ा था यहां पर, ये वाला पोर्शन, इसको इधर निकाल के लाते हैं, ये हमारी क्या बन जाती है, छोटी आंत, क्या बन जाती है, छोटी आंत। छोटी आंत बनाने का एक तरीका है, इस प्रकार से आप कर दीजिए, थोड़ा एक दो बार सीख करेंगे तो बन जाएगा, इस प्रकार से लाके और इसी में लगा दीजिए, ठीक है बच्चों, इसी में जोड़ जॉइंट कर दीजिए, तो ये बन गई अपनी छोटी आंत। इसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ये है अपनी बड़ी आंत, ठीक है बच्चों। ये मुख गुहा अंदर वाला पोर्शन, ठीक है, आईज, आंख, फोरहेड, माथा, सिर, यहां पे कान, बनाना चाहो तो बना लीजिए, ठीक है, लेकिन यहां पे कान का कुछ काम नहीं है, तो जो पोर्शन दिख रहा है वो बता दिया है मैंने, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कैसे मैंने बनाया है, सिंपल सा है, देखिए आप ध्यान से एक बार, समझ में पक्का आया होगा, ठीक है। तो क्या करना है, एक बार यहां पर छोटा सा और बनाता हूं ये वाला, फिर उधर भी बना दूंगा छोटा सा, देखना कोशिश करना, रिपीट हो जाएगा जिससे आपका, आप देखते चलना मैंने किस प्रकार से बनाया है, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से एक लाइन लाके और यहां पे ऐसे इधर निकाल देनी है, इसको डबल कर देना है ऐसे ही, यहां जॉइन करना है और इधर निकाल देना है, इसको दोहरा कर देना है, एक एक पर डबल कर देना, ठीक है बच्चों। आंख बनाने का तरीका ऐसे करके बन जाएगा तुरंत, कोशिश करोगे तो, जल्दी बनाता हूं समझ में आएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे देख लो पहले कौन सी चीज कहां पे होती है। इसके यहां से एक लाइन निकाल के यहां लगा देना है, इस प्रकार से डबल कर देना इस लाइन को,
और इसी लाइन में से इसको कट करते हुए यहां पे अग्नाशय बनाना है, ठीक है। तो यकृत, अमाशय, अग्नाशय। आगे चलते हैं नीचे, तो ये बड़ी आंत क्या बन गई, ये अपेंडिक्स की जगह छोड़ना और क्या बन गई, बड़ी आंत। इस प्रकार से, इस प्रकार से देखें आप, ये मलाशय और ये मलद्वार, इस प्रकार से मलाशय और मलद्वार, ठीक बच्चों। ये जो लाइन थी ये वाली, इसको इधर निकाल के क्या करना है, इस प्रकार से थोड़ा कर देना है और इसी में लगा देना है। तो इस पर से क्या बोले, छोटी आंख। हमको सबसे पहले याद रखना है कि हमारी कौन सी चीज कहां पर है। ये याद रख लोगे तो आप जरूर इसको अच्छी तरीके से बना लोगे। देखे एक बार और, सबसे पहले क्या करना है हमको, अमाशय बनाना है। क्या बनाना है, अमाशय। यह अमाशय बन गया। इस वाली लाइन में यकृत को रखना है और नीचे वाली लाइन में क्या रखना है, अग्नाशय। यकृत से एक लाइन नली लेकर निकालकर किसमें लगा देना है, अग्नाशय वाली लाइन में, इस प्रकार से। ये छोटी आंत जाके छोटी आंत बनेगी और यहीं से बड़ी आंत निकाल देना है, अपेंडिक्स की जगह छोड़ना है। तो जैसी जैसी एक आप दो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आप बना लोगे, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। सबसे पहले क्या करना है हमको, मुख बनाना है, मुख के बाद ग्रशनी, ग्रशिका, अग्नाशय, यकृत, अमाशय, अग्नाशय, ठीक है। फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, अपेंडिक्स की जगह छोड़ना है, नीचे मलाशय, मलद्वार, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है कि ये चित्र आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाले बटन दबाना तो भूले ही ना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके बाद हम इसका पार्ट टू लेकर आएंगे, जिसमें इसका वर्णन करेंगे, और पार्ट टू में भी इसको हम एक बार बताएंगे कैसे बनाया गया है, ठीक है बच्चों। तो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।